नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सांप अपने आप को क्यों खा रहा है, जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए। और क्या आपको पता है कि फांसी देते समय अपराधी के मुंह पर काला कपड़ा क्यों डाल दिया जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बॉक्सिंग मैच के दौरान बॉक्सर अपने मुंह में क्या डालते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कमाल की दुनिया की कमाल की बातों को। नंबर वन, दोस्तों बहुत से लोगों को टैटू बनवाने का शौक होता है। कोई हाथ पे टैटू बनवाता है तो कोई अपने गले पर। लेकिन क्या कभी आपने किसी के आंखों में टैटू देखा है? आई नो कि आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, पर आपको बता दूं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी आंखों के अंदर टैटू बनवाते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक है राजधानी दिल्ली के करण, जिनकी उम्र 28 साल है। आपको बता दूं कि करण ने अपनी आंखों के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है उसके अंदर इंजेक्शन द्वारा इंक डलवाई है, यानी कि इन्होंने अपनी आई बॉल्स के अंदर टैटू करवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने ये टैटू न्यूयॉर्क में जाके बनवाया है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अभी कुछ टाइम पहले एक महिला ने भी ऐसे करने की कोशिश करी थी, लेकिन इस टैटू को करवाने के चक्कर में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसीलिए दोस्तों आपसे विनती है, ऐसा कुछ कराने से पहले किसी प्रोफेशनल से अपनी सलाह जरूर ले लें। नंबर टू, दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि ये सांप अपने आप को खाए जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं ना, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये सांप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका खून ठंडा होता है, और ऐसे में इन्हें खुद को गर्म रखने के लिए किसी गर्म जगह पे जाना होता है। लेकिन भाइयों, जब इनका शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो सांपों का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, यानी कि इनको भूख लगना शुरू हो जाती है, और आसपास कोई शिकार न होने पर ये मजबूर होकर खुद की ही पूंछ को खाने लगते हैं। इसीलिए जब कभी आप किसी ऐसे सांप को ऐसा करते देखें तो उसके पास जाने की भूल कभी मत करना, क्योंकि भूखा होने की वजह से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर थ्री, दोस्तों आप ईंट बनाने वाले भट्टों के बारे में तो जानते होंगे। हमारे मजदूर भाई भरी गर्मी में ईंट बनाया करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। जहां पहले भट्टों में ईंट बनाई जाती थी, अब इन ईंटों को मशीन द्वारा बनाया जा सकता है। दरअसल भाइयों, हरियाणा की SNPC कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो 4 से 5 मिनट में 1000 से ज्यादा ईंट बना सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं उसमें 1000 ईंट को बनाने के लिए कई मजदूर की मेहनत लगती है। लेकिन अब इस मशीन के द्वारा बहुत जल्दी ही लाखों की संख्या में ईंट बनाई जा सकती है। और अच्छी बात तो ये है कि इसे हमारी भारत की कंपनी ने बनाया है। अब दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। नंबर फोर, दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज में ये देखा होगा, जब भी किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब उसे मरना ही है तो उसका चेहरा क्यों छुपाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब उसे फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है तो फंदा टाइट होने की वजह से वो तड़पने लगता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उसके सामने वकील से लेकर डॉक्टर तक खड़े होते हैं, और वो लोग अपराधी को तड़पता हुआ ना देखें इसीलिए अपराधी के मुंह पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया जाता है। नंबर फाइव, दोस्तों आपने बॉक्सिंग मैच तो जरूर देखा होगा। अरे भाई, असली में ना सही, किसी मूवी में तो जरूर देखा होगा। अब आपने ये भी गौर किया होगा कि जब बॉक्सर फाइट करने जाता है तो उसके मुंह में इस तरह से कुछ डाला जाता है। आखिर ये क्या होता है और क्यों इसे बॉक्सर अपने मुंह में लगाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, इसे माउथ गार्ड बोलते हैं, जो कि बॉक्सर अपने दांतों में पहनते हैं ताकि उनके दांत सुरक्षित रहें और उनके मुंह के अंदर कोई भी इंजरी ना आए। इसके अलावा इसको लगाने का एक और कारण है, और वो ये कि इस माउथ गार्ड को पहनने से बॉक्सर के बेहोश होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे मुंह के नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो हमारे दिमाग की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे में अगर एक जोरदार पंच बॉक्सर की जॉइंट पे लग गया तो वो फाइटर बेहोश हो जाएगा। लेकिन माउथ गार्ड की वजह से इस हड्डी पे पड़ने वाले मुक्के का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिससे कि बॉक्सर या कोई भी फाइटर रिंग में ज्यादा देर के लिए खड़ा रहता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने परिवार वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अननोन फैक्ट्स हिंदी को फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।